नमस्कार दोस्तों, हम राम कैलाश यादव। दोस्तों, हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जो गला घोंटू बीमारी होती है, क्या ये एक छुआछूत बीमारी है? ऐसा दोस्तों हमें कई बार कमेंट आया, तो हम सोचा दोस्तों इस पर हमें वीडियो बनाना चाहिए। तो होता क्या है दोस्तों, गला घोंटू बीमारी जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। गला घोंटू जिस पशु को आपके हो जाता है, गाय हो या भैंस हो, तो 24 घंटे से 36 घंटे के अंदर अंदर डेथ हो जाती है। वो सर्रा बीमारी भी कहा जाता है, जो गर्दन से आवाज़ आती है, उन्हें उसमें सांस लेने से दिक्कत होता है, तकलीफ़ होता है, गले में सूजन आ जाता है, मुंह में सूजन आ जाता है। तो उस स्थिति में क्या करना है, अगर आपके किसी भी पशु को ऐसा बीमारी हो जाती है, तो आप जो है उस पशु को अपने अन्य पशुओं से दूर बांधें, काफ़ी दूर कर दें, क्योंकि उसके अंदर कीटाणु पाए जाते हैं। अगर वो कीटाणु आपके दूसरे पशु को लग गए, तो दूसरे पशु को भी गला घोंटू बीमारी हो सकता है। इसके लिए जब भी आपके किसी भी पशु को हुआ हो, उसे थोड़ा दूर ही बांधें, दवा कराएं अपने, कोशिश भर अगर ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर ठीक नहीं होता, डेथ अगर हो भी जाती है, तो उसे ऐसी जगह पर दफना दें कि वहाँ कोई पहुँचे ना पशु पक्षी, और जहाँ उसे बांध कर रखे हैं उसको भी साफ करके वहाँ कूड़ा करकट डाल के उसे जला दें, वहाँ साफ़ सुथरा करके एक दो दिन पड़ा रहने दें, उसके बाद ही वहाँ अपना दूसरा पशु बांधें। नहीं तो क्या है कि आपके दूसरे पशु को भी गला घोंटू बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों, इतना याद रखें कि जो गला घोंटू सर्रा बीमारी है, बहुत ही खतरनाक और ख़राब बीमारी होती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।